मैं डॉक्टर नाजर खातून, एमडी डर्मेटोलॉजी, मैं देहरादून में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं आज आप लोगों को बताऊँगी हेयर लॉस के बारे में, बालों की साइकिल क्या होती है, बाल झड़ने के पैटर्न क्या है और मानसून में आपको अपने बालों की कैसे देखभाल करनी चाहिए। जो हमारे बाल होते हैं वो मैं यहाँ एक आउटलाइन बता देती हूँ कि इसमें अलग अलग ग्रोथ के फेजेस होते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये एनाजेन है, एनाजेन का मतलब ग्रोथ फेज होता है, कैटाजेन मतलब फेज ऑफ ट्रांजिशन और टेलोजन। ये टेलोजन एक ऐसा फेज है जिसमें बाल ज़्यादा झड़ते हैं। अगर बॉडी में कभी कोई स्ट्रेस हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, जैसे टाइफॉइड या फिर सर्जरी होती है, डेंगू हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, तो सारे आपके बाल टेलोजन फेज में जाते हैं और बाल ज़्यादा झड़ते हैं। और सीजन के हिसाब से भी ये साइकिल वेरी करते हैं। तो एक तो सीजनल वेरिएशन हो सकता है या फिर आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है तब जाकर के टेलोजन बालों का लॉस ज़्यादा होता है। उसके अलावा पैटर्न हेयर लॉस होते हैं। पैटर्न हेयर लॉस में मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। ये देखिए, मेल पैटर्न हेयर लॉस में हेयर लाइन के रिसेशन होते हैं। जैसे ये हेयर लाइन है हमारा, ये थोड़ा पीछे जाएगा और यहाँ पर वर्टेक्स पे भी थिनिंग होती है और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बाल जो है ये थिन होकर के कैसे लॉस हो रहे हैं और हायर ग्रेड्स में बस पतली सी चांद बचती है पीछे पर। उसके अलावा ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में वर्टेक्स पे थिनिंग होती है, जो हम बीच में पार्टीशन करते हैं वो पार्टीशन चौड़ी होती जाती है और उसकी चौड़ाई बढ़ती है और ग्रेजुअली ये हेयर लॉस होता है। ये पैटर्न हेयर लॉस है। उसके अलावा डिफ्यूज हेयर लॉस होता है। डिफ्यूज हेयर लॉस में सिर से कहीं भी बाल झड़ सकते हैं, मतलब पूरे बाल, जैसे पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि डिफ्यूज थिनिंग हो रही है, हमारे पूरे ही बाल खराब हो रहे हैं, क्वालिटी खराब हो रही है, तो ये डिफ्यूज हेयर लॉस है। तो ये सारे अगर पैटर्न हेयर लॉस है तब तो ट्रीटमेंट आपको बहुत ज़रूरी है करना, आपको ट्रीटमेंट करना है। उसके अलावा डिफ्यूज हेयर लॉस में या फिर जो सीजनल वेरिएशंस हैं उसमें आप खा पी करके जैसे अपना डेली केयर कीजिए, बालों को शैम्पू करेंगे, वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स शैम्पू करना चाहिए। उसके अलावा खाने पीने पे ध्यान दीजिए, जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं ये खाएंगे, साग सब्जी फल जो भी सीजनल है अवेलेबल उसको खाइए, दाल खाइए, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन है, एग्स है, फिश है, ये सोर्स हैं प्रोटीन के, तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाल के हेल्दी ग्रोथ के लिए। बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की। डैंड्रफ जो है माइल्ड हो सकता है, हल्के फुल्के डैंड्रफ में आपको फ्लेकिंग होगी बालों में, थोड़ी सी नाखून में वाइट सा कुछ आएगा। उसके अलावा जब सीरियस होता है तो क्लियर फ्लेक्स दिखते हैं, तो आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर डैंड्रफ हो रहा है तो बालों में तेल ना लगाएं और अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से सप्ताह में कम से कम 2 बार धोएं। उसके अलावा अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बाल जो है आपके जो पर्सनालिटी का एक इसेंशियल हिस्सा है, आपकी पर्सनालिटी को, आपके लुक को देने के लिए, एक परफेक्ट लुक देने के लिए बाल बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पैटर्न हेयर लॉस हो, डिफ्यूज हेयर लॉस हो, किसी बीमारी की वजह से हेयर लॉस हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना केयर करना चाहिए। थैंक यू।